गाइज, नो डाउट ईयर 2023 जो है एआई का रहा है, और अभी के टाइम में मैं भी अपने कुछ काम जो होते हैं वीडियो से रिलेटेड, वो एआई की हेल्प से कर लेता हूँ। तो आने वाले कुछ सालों में आप सोच सकते हैं एआई जो है अभी के टाइम में जैसे एक रेयर टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक कॉमन टेक्नोलॉजी बनने वाली है, और 2030 तक आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इसका जो है इंडस्ट्रीज़ पे रहने वाला है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पे, और जो हमारी रेगुलर लाइफ है इसमें भी एआई बहुत बड़े तरीके से अपना रोल निभाने वाली है। तो किस तरीके से जो हमारे आने वाले कुछ साल है इसमें हमारी लाइफ में कैसे एआई का इम्पैक्ट रहने वाला है, ये कैसे हमारे वर्ल्ड को जो है शेप करने वाला है, इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। और यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 प्रिडिक्शंस बताने वाला हूँ एआई से रिलेटेड। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो चलिए सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं अगमेंटेड रियलिटी की, और इसका शॉर्ट फॉर्म है AR। सो ये AR जो है हमारे रियल वर्ल्ड में एक डिजिटल लेयर जो है ऐड करता है कुछ स्पेशल ग्लासेस की हेल्प से। जैसे अभी आपने देखा होगा एप्पल का विजन प्रो लॉन्च किया गया है, क्वेस्ट है। इन स्मार्ट ग्लासेस को लगाने के बाद जो आपका सराउंडिंग है उसी में ही आपको डिजिटल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे हो तो आपने वो स्पेशल ग्लासेस अपने आंखों पे लगाए और आपका रूम जो है सेम एज इट इज रहने वाला है, बस इसमें आपको एक लेयर जो है डिजिटल स्क्रीन की वो ऐड होके मिल जाएगी। तो वो बिल्कुल आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने आपके सराउंडिंग में वो सब चीजें हो रही है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में जैसे आपको गूगल मैप्स पे ये अपडेट जो है अगमेंटेड रियलिटी की देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपने गूगल मैप ओपन किया, वहाँ पे कैमरा ओपन किया और आपने एक स्ट्रीट व्यू जो है कैमरा में शो किया, सो वहाँ पे आपको डिजिटल साइन जो है फ्लोट होते हुए मिलेंगे स्क्रीन पे कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर जो भी किलोमीटर्स वगैरह है। सो ये डिजिटल लेयर जो है हमारे रियल वर्ल्ड में ऐड होगी इस अगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से। और अभी के टाइम में गाइस कुछ कंपनीज जो है इस अगमेंटेड रियलिटी को शॉपिंग वेबसाइट्स पे यूज़ कर रही है। जैसे आपने देखा होगा आप फर्नीचर वगैरह खरीदते हो तो यहाँ पे आपको एक रियल लुक आपके सराउंडिंग में उस फर्नीचर का देखने को मिल जाएगा। एक डिजिटल इमेज आपके फ़ोन की हेल्प से सामने क्रिएट हो जाती है आपके सराउंडिंग में, कैसे आपको वो जो है फर्नीचर सेट करना है और कैसा वो आपके सराउंडिंग में लगेगा। तो ये आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है और एक रियलिस्टिक फील देता है, बजाय कि जैसे आप नॉर्मली फोटोज़ स्क्रॉल करके फ़ोन पे देखते हो और एक वो चीज़ है ओरिजिनली आपको लगे कि आपके सराउंडिंग में रखी है। सो आने वाले 2030 तक ये जो अगमेंटेड रियलिटी है हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट होगा और बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग में इसे ज़रूर से यूज़ करेंगे और ऑनलाइन शॉपिंग को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना देगा। और सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं एडवांस पर्सनल असिस्टेंस की। गाइस ज़रा सोच के देखिए, एक AI पावर्ड असिस्टेंट हो आपका जो आप लोगों के कमांड्स को सिर्फ फॉलो ना करे, एक्चुअल में समझे कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है और जैसे ही कोई भी कमांड आप उसे दें तो वो उससे नेक्स्ट जो आपके प्रिडिक्शन है वो कर ले कि आपको इससे आगे किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है। और इसके अलावा गाइज बाय द एंड ऑफ ईयर 2030 ये जो AI पावर्ड असिस्टेंट है बहुत ज़्यादा इवोल्व होंगे ज़रूर से और डेली लाइफ में बहुत ही हमारी हेल्प करने वाले हैं, एक रिलायबल फ्रेंड होंगे हमारे जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी और साथ ही हमारी वर्क एफिशिएंसी भी इनसे बढ़ने वाली है। और ये जो AI पावर्ड असिस्टेंट है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, जैसे हमारे जो भी डेली टास्क रहने वाले हैं रूटीन के उनको ऑटोमेटिकली ये टेक केयर करेंगे या फिर जो हमारे शेड्यूल रहने वाले हैं वो ये अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। और इससे होगा क्या, इससे हमें एक्स्ट्रा टाइम है जो फ्री में मिलेगा और जिसे हम अदर थिंग्स पे फोकस कर सकते हैं। जैसे हैं कुछ लोगों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता काम के बीच में, तो वो अपने फैमिलीज की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, या फिर किसी को अपनी रेगुलर लाइफ में ऑफिस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वहाँ पे भी वो लोग फोकस कर सकते हैं। तो इससे हमारी डेली लाइफ जो है बहुत सिंपल भी होने वाली है और साथ में इंजॉयबल भी होने वाली है। और थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं मेटावर्स की। आने वाले ईयर 2030 तक मेटावर्स में आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और ये मेटावर्स गाइस एक डिजिटल यूनिवर्स आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका एक अवतार होने वाला है और उसी अवतार से जो अदर लोग हैं वो आप लोगों से इस डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करने वाले हैं, और भी लोगों के अवतार रहने वाले हैं जिससे आप इस डिजिटल वर्ल्ड में उनसे इंटरेक्ट करोगे। और बाकी अभी के टाइम में जैसे 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इससे मेटावर्स में काफ़ी स्मूथ काम होने वाला है और भी ज़्यादा लोग जो है इस मेटावर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पे अभी मेटावर्स में जैसे मैं कहूँ, आपने देखा होगा लोग VR हेडसेट लगा के गेम प्ले कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका फ्रेंड भी आपके साथ में बैठ के गेम प्ले कर रहा है, उसका एक अवतार है, आपका भी एक अवतार है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें काम करने वाली हैं और सिर्फ ये गेम प्ले करने तक ही सीमित नहीं है, ये जो है
बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे से काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी मीटिंग में जाना है, आपको फिजिकली वहाँ पे नहीं जाना, वर्चुअली आपका अवतार होगा और भी लोग उस डिजिटल यूनिवर्स में होंगे उनके अवतार में, और आप सब लोग वहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हो और सभी को लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में हम एक दूसरे के साथ बैठ के वो मीटिंग कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशंस यही है, ईयर 2030 तक जो मेटावर्स है वो जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसे डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगा, और काफ़ी कुछ सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो डेली लाइफ की है हम मेटावर्स में डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, ए न्यू वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस अभी के टाइम में आपने देखा होगा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसमें AI फीचर्स मिलते हैं, और यहाँ पे जो सबसे मेन फीचर है AI का वो है लैंग्वेज चेंज करने का कॉल करते वक्त, यानी कि अगर आपने किसी को कॉल किया और वो बंदा दूसरे लैंग्वेज में बात करता है, बट यहाँ पे आपको AI असिस्टेंट मिलता है जिसके हेल्प से बिल्कुल कम टाइम में, यानी कि ऐसा ही लगेगा एक्चुअली में जो आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो सामने वाला भी वही लैंग्वेज बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है AI बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं जहाँ पे हम इंटरेक्ट उनसे नहीं कर पाते क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये लैंग्वेज बैरियर खत्म होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाएगा सब लोगों में। जैसे यहाँ पे हमारा भारत देश है, इसमें ही अलग अलग लैंग्वेज जो है बोली जाती है और हर कोई वो नहीं समझ सकता, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है हमारे लिए। लेकिन सोच के देखिए, जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे फेस टू फेस, वन टू वन, कोई इंटरप्रेटर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हम यहाँ पे करने वाले हैं, और ये ओवर अदर कंट्रीज़ भी आप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस AI की हेल्प से, और अभी के टाइम में लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है S24 अल्ट्रा के स्मार्टफोन का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5, क्वांटम कंप्यूटिंग। इस क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये एक तरीके का आप सुपर कंप्यूटर कह सकते हो। जो हमारा क्लासिक नॉर्मल कंप्यूटर रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, बट ये क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही कम टाइम में और स्मूदर तरीके से सोल्व कर सकते हो। जैसे जो हमारा क्लासिक कंप्यूटर रहता है वो नॉर्मल बिट्स को यूज़ करता है, लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये क्वांटम बिट्स या फिर क्यूबिट्स को यूज़ करता है, और ये क्यूबिट्स जो है किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्विंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। और आने वाले टाइम में, अभी तो जैसे हम मोस्टली लोग जो है क्लासिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बट आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है कि क्वांटम कंप्यूटिंग बिल्कुल कॉमन हो जाएगी और सभी लोगों तक ये पहुंच जाएगा, जिससे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगी। और 6th नंबर पे हम बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की। गाइस अभी ये टाइम में आपने देखा होगा जैसे कि टेस्ला के सेल्फ ड्रिवन व्हीकल है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं रोड सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर सामने किसी ने अचानक से ब्रेक लगाए तो वो कार भी जो है AI की हेल्प से ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग ले लेती है। तो ऐसे ही रोड सेफ्टी के हिसाब से भी ये AI बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है, फ्लुएंसी है, वो भी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम की आपको कमी देखने को मिलेगी। और अभी के टाइम में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं और हाइड्रोजन व्हीकल जो है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा जो कार्बन के फुटप्रिंट्स है, जो सराउंडिंग हमारा नॉर्मल व्हीकल से पोल्यूटेड होता है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे चेंज होंगी। सो ये इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा ही और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होने वाला है, और बाकी हमारी जो रेगुलर लाइफ है वो हैसल लेस होने वाली है और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, वर्क एफिशिएंसी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये AI जनरेटेड आपको फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन आने वाले सालों में देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट 7th नंबर पे हम बात करते हैं नैनो चिप इंटीग्रेशन की। सो गाइस अभी एक वीडियो मैंने थोड़े टाइम पहले बनाया था जहाँ पे एलन मस्क की तरफ से जो उनका न्यूरालिंक था, जो उनकी ब्रेन चिप थी, वो एक ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट की गई और सक्सेसफुल रिजल्ट्स उसके रहे हैं। तो यही चीज़ आपको अब आने वाले टाइम में और देखने को मिलेगी, जो नैनो चिप्स है वो हमारी बॉडी में इम्प्लांट की जा सकेंगी, जहाँ पे जो हमारी वर्क फ्लुएंसी है, एफिशिएंसी है, वो और बढ़ने वाली है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी में एक पावरफुल चिप इम्प्लांट कर दी जाती है तो ये एक बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड यानी कि मिक्सचर होने वाला है, और इससे जो एक ह्यूमन बॉडी का पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ होगा, ह्यूमन ब्रेन के सोचने की शक्ति और भी ज़्यादा होगी, काम करने की शक्ति और भी ज़्यादा होगी, जिससे हम और भी नई नई चीज़ों की तरफ आगे फ्यूचर में बढ़ पाएंगे। और इसका एक लाइव एग्जांपल अभी के टाइम में आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मेरा जो दूसरा वीडियो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे न्यूरालिंक का जो ब्रेन चिप है वो इम्प्लांट की गई, उससे क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या नई नई पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उस सबके बारे में डिटेल दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन।
गाइस, जो हमारी फेलो स्पीसीज हैं जो हमारे अर्थ पे हमारे साथ रहते हैं, तो वो भी हमारे एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करते हैं। सिर्फ ह्यूमन से ही ये इकोसिस्टम रन नहीं करता, तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होती आ रही है, तो उनकी प्रिजर्वेशन में भी AI जो है काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा डाटा जो है AI में स्टोर होके मिल जा रहा है। जैसे कि AI इंटीग्रेटेड ड्रोन्स होंगे जो उन स्पीसीज़ का ध्यान रखेंगे, उनकी सेफ्टी करेंगे, इसके अलावा उनका जो भी डाटा रहने वाला है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके भेजते रहेंगे, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी उन स्पीसीज़ का बचाव करने में। इसके अलावा AI काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दूसरे तरीके में भी, जैसे जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, यहाँ पे अगर AI इंप्लीमेंट की जाती है, जो सैटेलाइट होती है या फिर जो भी सेंसर्स होते हैं उनके साथ मिला के, तो हमें पहले ही वॉर्न कर दिया जाएगा कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आएगा, तो उससे हम काफ़ी कुछ लाइफ सेविंग कर सकते हैं कम्युनिटीज़ की, हमारी जो कम्युनिटीज़ है या फिर जो हमारे फेलो स्पीसीज है उनकी कम्युनिटीज़ है। यहाँ पे इस तरीके में भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में भी AI काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और आने वाले टाइम में इसका इंटीग्रेशन भी आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और गाइस, नेक्स्ट 9 पॉइंट की हम बात करें हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो AI का यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। आने वाले ईयर 2030 तक आपको AI का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वाइड जो भी पेशेंट है उनका डाटा AI एनालाइज करके, और जो हमारे यूनिक बॉडी जेनेटिक्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो सबसे बेस्ट तरीके से दवा जो सूट करेगी वो हमें मिल जाएगी, जिसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट भी काफ़ी कम होने वाला है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं उनमें काफ़ी कम एरर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे AI का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। रोबोटिक्स की हेल्प से वहाँ पे ऑपरेशन होने वाले हैं, और जैसे किसी को मेजर हेल्थ कंसर्न होता है कोई भी, तो AI की हेल्प से टाइम से पहले उसका डिटेक्शन हो जाएगा और उसका इलाज टाइम से पहले करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ पे AI जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है हेल्थ सेक्टर में, और आने वाले टाइम में ये सब आप खुद से देखने वाले हैं। और लास्ट 10th पॉइंट की बात करते हैं जो है जनरल इंटेलिजेंस। गाइस, यहाँ पे ये प्रिडिक्शन है कि 2030 तक जो AI है वो ह्यूमंस के जैसे सोचने समझने की ताकत रखने लग जाएगी, जैसे हम ह्यूमंस नॉर्मली बात करते हैं, काम करते हैं, जोक्स बोलते हैं या फिर स्टोरीज वगैरह बताते हैं, तो इस तरीके से AI जो है 2030 तक इवोल्व हो जाएगा, और इससे भी AI के नए नए तौर तरीकों को हम समझ पाएंगे और ह्यूमन एबिलिटीज़ भी इससे बढ़ने वाली है। सो गाइस, अगर आप लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं और AI के बारे में इतना कुछ आप लोगों ने देखा जाना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सजेशन है, ओपिनियन है वीडियो को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर से दूंगा। बाकी ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ देखने के लिए, गैजेट रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।